फ्रेशर पार्टी का आज यहाँ पर आयोजन किया गया था। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं और अपना भविष्य जो बनाएंगे फ्यूचर में, किस तरह का संदेश देंगे इस कार्यक्रम के जरिए? आज हमारे यहाँ श्रीमती देवकी बाग कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस में जिन बच्चों ने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है उनके लिए एक फ्रेशर्स सेलिब्रेशन रखा था। बच्चे विद्यालय से अभी महाविद्यालय में आ रहे हैं तो उनका एक भाव बदल जाता है, उनको एक नया वातावरण में आना के लिए आकर एडजस्ट होना पड़ता है। जितनी फ्रीडम मिलती है उतना भी बड़ा उनका उत्तरदायित्व भी है। तो हमें कुछ बातें बच्चों से कही कि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ रही है, एक दो साल में वो भारत के पूर्ण रूप से नागरिक बन जाएंगे, उनको मतदान का भी अधिकार मिला, सरकार को चुनने का भी अधिकार मिलेगा, ये सब बातें हमने उनको समझाई और साथ साथ हमने उनको ढेर सारी शुभकामना दी क्योंकि यही बच्चे हमारे भारत का भविष्य है। बिल्कुल, हमारे यहाँ एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ उनका सामाजिक जो दायित्व है उसके बारे में भी समझाया जाता है, हमारे इतिहास के बारे में भी समझाया जाता है और उसी को साथ लेके उनको अपने जीवन की नई नई चुनौतियां जो आने वाली है उसके लिए तैयार होकर यहाँ से जाना है। जी, कॉलेज के अंदर हमारे अभी देखेंगे आप तो सभी कॉलेज मिलकर करीब 2000 के ऊपर विद्यार्थी की संख्या हो चुकी है। अच्छी तरह से बच्चे प्रयास करते हैं कि हम उनको यहाँ एडमिशन दे सकें। जी सर, खास तौर पे जो उनके पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं सभी चाहते हैं, दूर दराज से भी लोग यहाँ पर अभी एडमिशन आ रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनके अभिभावकों को किस तरह का संदेश देंगे? क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि जहाँ पर जा रहे हैं उसका माहौल तो आपने यहाँ पर ऐसा रखा हुआ, हर चीज में बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, पढ़ाई से लेकर हर तरह की चीजों में। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी महाविद्यालय की जो सिस्टम है सबसे बेहतरीन शिक्षक हमारे पास है यहाँ। दूसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी ये कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है जो कि इस एरिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसकी एक बड़ी अच्छी गुडविल है और सब चाहते हैं कि बच्चे उनके मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़े। उसको लेके हम हमारे कभी कभी एडमिशन वगैरह में भी नए डिवीजन खोलने की आवश्यकता पड़ी है और वो दिशा में हम अच्छी तरह से चल रहे हैं। अभी हमारी एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है, वो परिसर आप देखेंगे, नई परिसर हमारी कॉलेज के लिए बड़ा ही सुंदर परिसर बन रहा है और आने वाले दिनों में एक हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य सुनिश्चित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।